हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं? बस थैंक यू यास्मिन जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छे हैं और आपके चैनल पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। आप कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जब आते हैं तो हमें भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है इस चीज का। और सर का खुद का चैनल है, आप प्लीज सर के चैनल को फॉलो करें। इस वक्त आप देश और दुनिया में बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में राम मंदिर का जो है इस वक्त, उस पर काफी बात हो रही है। और अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, सब हुआ और बड़े अच्छे से हुआ, और यहाँ भारत में इतनी दिक्कत कोई देखने को मिली नहीं। अगर वो हटा दें अपवाद स्वरूप जो भी मजहबी कुछ चंद लीडर्स या जो सियासती लीडर्स हैं उनको, लेकिन अब ये मुद्दा इस चीज के लिए पाकिस्तान के पेट में बड़ी मरोड़ उठती है। और आगे हम आपसे इस पर भी बात करेंगे। सऊदी अरब जहाँ इतना लिबरल हो रहा है कि वहाँ एल्कोहल शॉप्स ओपन हो रही हैं डिप्लोमेट्स के लिए, मदीना में हमारी स्मृति ईरानी जी जाती हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो एक बड़े बदलाव की तरफ हम दुनिया का रुख देख रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर पाकिस्तान के पेट में हमेशा से जो दर्द है, और उसका एक ताजा उदाहरण अब राम मंदिर का मुद्दा ये लोग यूनाइटेड नेशन में लेके जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि यूएन इसमें इंटरवीन करे, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या है इन लोगों का कि ये हमारे ही इंटरनल इश्यूज के पीछे पड़े रहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारे इंटरनल इश्यूज के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि इंडियन मुसलमान है, इससे प्रूफ होता है। सबसे पहली बात देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो भारत का मुसलमान यानी सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान जो चीज नहीं समझ पा रहा है या उसको समझना नहीं चाह रहा है कि किसी नेशन को रिलीजन आना, रिलीजन मतलब होता है लॉ गिवन बाई गॉड, इससे ज्यादा तो रिलीजन कुछ नहीं है ना। किसी नेशन के ऊपर रिलीजन आना, ठीक है, और किसी रिलीजन का नेशन बन जाना, वो अलग अलग चीजें हैं। नेशन के ऊपर रिलीजन आना, इट्स अ डिफरेंट फिनोमिना। मगर जब आप रिलीजन को नेशन बनाओगे तो आप बहुत बड़ी गलतियां करोगे, ठीक है, जो कि हो रहा है। क्योंकि जब आप रिलीजन को नेशन बनाने जाते हो तो नेशन बेसिकली होता है आदमी की पहचान, उसके चिन्ह, उसके हीरो, उसकी वैल्यू सिस्टम। भारत का जो मुसलमान है, अब उसके साथ दिक्कत यह है कि क्या उसकी पहचान भगवान राम है या नहीं है, और क्या यदि भगवान राम उसके पहचान है तो क्या वो मुसलमान रह सकता है भगवान राम के पहचान के साथ, क्योंकि वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो जब आप रिलीजन को नेशन बनाओगे तो यही गलती होगी। जैसे आप देखें अब्राहमिक फेथ में हर नेशन को गॉड ने रिलीजन दिया, ठीक है ना। जो मोजेस थे वो किस इलाके में रहते थे? वो तो इजिप्ट में रहते थे। इजिप्ट में जो वो अब्राहमिक वंश, वो अब्राहम के वो थे, वंशज थे, और उनका जो उस समय जिस सोसाइटी में रहते थे, जूस लोग इजिप्शियन सोसाइटी में स्लेव की जिंदगी जीते थे, यही है कहानी ना। यानी कि स्लेव्स और जूस अलग लोग हो गए। यानी कि अब्राहमिक जो रिलीजन है, जो अब्राहमिक प्रोजेनी है, जिससे अब्राहमिक की जो संतानें निकली, वो तो जूश है, मगर इजराइल सॉरी इजिप्शियंस उनके अब्राहम के वो नहीं है, क्या नाम है, प्रोजेनी। पॉइंट ये है कि दुनिया में 102 क्रिएशन थ्योरी है, 102 थ्योरीज की दुनिया में इंसान कैसे बने और ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया में मानव कैसे बने और मानवों का निर्माण कैसे किया गया, दुनिया का कैसे निर्माण हुआ, इसके लिए 102 थ्योरियां हैं। मैं जर्मनी के जब एक वहां पे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था तो वहां पे प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे आए थे, वो कंपैरेटिव रिलीजियस लॉ के वो थे, जर्मन प्रोफेसर, उनका मैंने प्रेजेंटेशन सुना था एंड आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने बताया कि अब कौन सा रिलीजियस क्लेम सही है, अगर तलवार उसकी भी फोर्स अगर उसका वो है, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं आपको इससे यूएन चार्टर से कनेक्ट करूंगा, अगर फोर्स आपकी क्लेम का जस्टिफिकेशन है कि हम सही इसलिए हैं क्योंकि हम तुम्हारी गर्दन काटने को तैयार हैं, तो दुनिया में लड़ाइयां होंगी, पीस नहीं होगा। अब अगर आप यूएन चार्टर पढ़ें तो यूएन चार्टर ने पिछले 1000 साल का जो इतिहास था, यूरोप का जो एक्सपीरियंस था, उसको जो है समझा और उसका निचोड़ निकाला आर्टिकल 2 के फॉर्म में। यूएन चार्टर के जो पहला आर्टिकल है वो ले डाउन करता है पर्पस ऑफ द यूएन चार्टर, और दूसरा जो आर्टिकल है वो ले डाउन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। सो आर्टिकल 1 लेज डाउन व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड आर्टिकल 2 लेज डाउन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच दीज थ्रू विच दीज पर्पसेस वुड बी अटेंड, कि इन प्रिंसिपल से इन पर्पसों को हम हासिल करेंगे, ठीक है।
सबसे बड़ा पर्पस है यूएन चार्टर का, वो है फ्रेंडली रिलेशंस, विच मींस एब्सेंस ऑफ वॉर, विच मींस एब्सेंस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये यूएन चार्टर का बेसिक मिशन है। तो क्वेश्चन है कि अपने पर्पस को यानी वॉर को आपको अवॉइड करना है तो वो कैसे आप गेन करेंगे। तो यूएन चार्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस सिलसिले में वो है आर्टिकल 2 क्लॉज 4। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपके दर्शकों के लिए इसको शेयर भी कर सकता हूं ताकि आप लोग, आपके दर्शक भी उसको पढ़ सके। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 आप जब पढ़ेंगी तो वो बात करता है कि यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में मना हो गया, ठीक है। आप इंटरनेशनल रिलेशन में यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकते। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो अब्राहमिक फेथ थे ये आए, इन्होंने कहा कि हमारी थ्योरी सही है, इस थ्योरी को एक्सेप्ट करो वरना तुम्हारी गर्दनें काटेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यूज ऑफ फोर्स अगर आप करके कोई टेरिटरी हथियाते हो या किसी की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ना तो वो टेरिटोरी का हथियाना और ना वो उस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना एक्सेप्टेबल होगा। ये उनका 1000 साल का विस्टम था जो उन्होंने क्रूसेड लड़ा, जो उन्होंने विभिन्न लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि रिलीजन के नाम पे एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाने का काम किया गया थ्रू फोर्स। तुर्कों ने यूरोप की कुछ टेरिटरी को अपनाया, फिर यूरोपियंस ने दूसरे की टेरिटरी को, तुर्कों की टेरिटरी को हथिया लिया। अब कोई भी थ्योरी हो, रिलीजन के थ्रू फोर्स हो या कम्युनिज्म की थ्योरी के थ्रू फोर्स हो, किसी बिकॉज की जो रशियंस गए वो रिलीजन के थ्रू नहीं गए, वो कम्युनिज्म के थ्रू जाकर के तुर्कों को उन्होंने एक घुटने के नीचे लगा दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आज से तुम्हें रिलीजन कुछ नहीं फॉलो करना। तुर्कों से जो यूरोपियन थे, ईस्ट यूरोपियन जिनको आप रशियंस कहती है, उन्होंने उनसे उनका रिलीजन छीन लिया इस्लाम, और तुर्कों ने इस्लाम के नाम पे ये अरब और एशिया और इसको यूरोप तक के कुछ इलाकों को नाप दिया, ठीक है ना। तो एक ने रिलीजन के नाम पे फोर्स यूज किया, दूसरे ने कम्युनिज्म के नाम पे फोर्स किया और टेरिटरियां अपना ली। यूएसएसआर क्या था? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान की टेरिटरी को मिला करके आपने यूएसएसआर बनाया था। उसी तरीके से सल्तनत उस्मानिया क्या था? बेंजेंटाइन एम्पायर को जीत के, ग्रीक की टेरिटरी को जीत करके आपने बेंजेंटाइन एम्पायर को हटा करके फिर वहां पे सल्तनत उस्मानिया बनाई थी। तो यूज ऑफ फोर्स को खत्म कर दिया गया कि कोई भी दो देश आपस में यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे अपने इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद आर्टिकल 2 क्लॉज 7 यूएन चार्टर का ये कहता है, अभी जो मैंने पहले बताया ये 2 क्लॉज 4 था। अब यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 7 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन किसी भी देश के इंटरनल मैटर यानी डोमेस्टिक अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो यूनाइटेड नेशंस के पास, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन मतलब इसके ऑर्गन, इसके ऑर्गन्स को पावर दिया गया है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखें, जो आर्टिकल 1 और 2 आते हैं यूएन चार्टर के अंदर। लेकिन डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेरेंस करना मना कर दिया गया है। इसको ऐसे समझिए कि आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह कहा गया है, या आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दोनों को एक साथ पढ़ें अगर हम, यह कहा गया है कि स्टेट सिर्फ अपनी टेरिटरी के लिए लॉ बनाएगा, यूनियन जो है वो किसी की भी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है, पूरे इंडिया के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। और फिर उसमें यह कहा गया 246 में कि इन इन मैटर्स पे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, इन इन मैटर्स पे सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा, इन मैटर्स पे दोनों लॉ बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। उसी तरीके से यूएन चार्टर में यह हो गया कि यूएन चार्टर में आपने जब यूएन के ऑर्गन बना दिए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरिएट, इकोसॉक, ये जब आपने बना दिया तो ये हुआ कि ये ऑर्गन इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए बने हैं, सिर्फ इनका जुरिस्डिक्शन या सब्जेक्ट मैटर सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स होगा, डोमेस्टिक अफेयर नहीं होगा। तो आपका प्रश्न कि पाकिस्तान जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला और राम मंदिर का मसला लेके यूएन में गया है, तो मैं आंसर ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 2 क्लॉज 7 के अंतर्गत ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, डोमेस्टिक मैटर है, ये एक्सटर्नल मैटर नहीं है, इसमें यूएन की कोई मुदाखलत बनती नहीं है। आप कहां लेके जाओगे इसको, किस फोरम पे ले जाओगे? सिक्योरिटी काउंसिल, वो ले नहीं जा सकते। आर्टिकल 25 ऑफ द यूएन चार्टर, रीड विद आर्टिकल 39 ऑफ द यूएन चार्टर, वो ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 के रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो तभी इफेक्टिव होंगे जब सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू अ रेजोल्यूशन ये डिटरमाइन करे कि अ सिचुएशन ऑफ
थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी और ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का कोई केस हो, दूसरा आईसीजे में लेके जाओगे तो वो कोई सब ट्रीटी होनी चाहिए, कोई इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो कहां लेके जाओगे इस मैटर को? यूएन चार्टर का सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है, ये इंडिया का डोमेस्टिक मैटर है। तुमने अपने यहाँ के मंदिरों को तोड़ करके कैफे बना दिया, इंडिया ने तो कभी नहीं कहा तुमको कुछ। तुमने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया, इंडिया ने तो कभी नहीं कहा कुछ। और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अब वो कन्वर्ट करके और लोगों की जो कल्चर खत्म कर दिए। इन मुद्दों के ऊपर आप यूएन में नहीं जा सकते, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 प्रोहिबिट करता है। और अगर ले जाना है तो फिर बलूचिस्तान का मैटर लेके जाओ भाई, वहां भी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो तुम इंडिया जब अभी तुमने अफगानिस्तान के मुसलमानों को ये कह के निकाल दिया कि तुम अपने देश में जाओ, जब तुम ये भी पहले तुम्हें नेशनलिज्म से नफरत है लेकिन नेशनल पाकिस्तान एक नेशन भी बनाना चाहते हो, दोनों तरफ का लड्डू खाने जाओगे तो यही होगा। आपने कहा कि एक भी इंडियन मुस्लिम को हम अपने यहां जगह नहीं देंगे, पाकिस्तान का इमरान खान का ये बार बार स्टेटमेंट आता है कि अगर इंडिया में कुछ हुआ तो हम इंडियन मुस्लिम्स को अपने यहां नहीं रखेंगे। तो आप कौन हो इस मैटर में बोलने वाले कि मस्जिद टूट रही है या बन रही है? और कौन सी मस्जिद टूटी? बाबरी मस्जिद टूटी नहीं, उसको शिफ्ट किया गया, आज उस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है। उसकी इनॉग्रेशन के लिए सऊदीया के सबसे बड़े इमाम आ रहे, हिंदुओं ने 40 लाख का उसमें चंदा भी दे दिया है। पॉइंट यह है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही मंदिर स्थल तोड़े गए, तोड़ा तो काबा भी गया था, 3 बार तोड़ा गया, 3 बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ वो। तो भाई ये क्लेम हिंदू की आइडेंटिटी का है, इंडिया की आइडेंटिटी का है। ज्ञानवापी आपको उससे बड़ा बना मस्जिद बनाने को तैयार है, कोई नहीं कह रहा कि हम आपकी मस्जिद ले रहे, मगर आपकी जिद है कि मस्जिद वहीं बनाएंगे। हमको मस्जिद नहीं चाहिए, हमको मस्जिद वहीं चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम ना। इंडिया में बनारस में मैंने तो कई मस्जिदें हैं। अब ये बात है, जब आज तो इरफान हबीब साहब का स्टेटमेंट है, यूपी तक पे जाके देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हालांकि मैं उनके उनकी इससे अज्ञानता ही झलकती है, उन्होंने कहा एएसआई के सर्वे की क्या जरूरत है, वो तो जदुनाथ सरकार साहब की किताब पढ़ लेते हैं औरंगजेब के ऊपर, जो कि ट्रांसलेशन है मसीगिरी समथिंग करके, आलम मसीगिरी या नाम बुलाउद्दीन का उस किताब का, तो उन्होंने कहा ट्रांसलेशन उससे पढ़ लेते, उसी से साबित हो जाता कि ये तो मंदिर तोड़ करके ही मस्जिद बनी है, इसके लिए एएसआई की क्या जरूरत है। उनको ये नहीं पता था कि कोर्ट में ये किताबें एज एन एविडेंस नहीं एक्सेप्ट होंगी, ये सपोर्टिव एविडेंस हो सकती है, कंक्लूसिव नहीं। एएसआई चूंकि गवर्नमेंट की एजेंसी है, साइंटिफिक काम की है, तो साइंटिफिक एविडेंस के रूप में इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी एडमिसिबिलिटी होगी। एक किताब जो है वो एज एन एविडेंस नहीं एडमिट किया जाता, हार्ड कोर एक सॉफ्ट एविडेंस के रूप में उसको ले दिया जा सकता है। उनका ये आर्गुमेंट था इरफान हबीब का कि भाई अब जब मस्जिद है तो मस्जिद है, नहीं तो टेक्निकली उनका आर्गुमेंट भी गलत है, क्योंकि अंडर द इस्लामिक लॉ किसी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के ऊपर आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो आंसर इज वो मस्जिद थी ही नहीं, कभी वहां पे पढ़ी गई कोई भी नमाज कभी कबूल होगी नहीं, क्योंकि दूसरे का धर्मस्थल तोड़ के बनाया गया मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये तो लॉ इस्लामिक लॉ है, शरिया लॉ है। तो ये भी क्लेम कि वो मस्जिद है, और जैसे आप देखे आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एक एक्ट जैसे आप देखें वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 2 कहता है कि एनी लॉ मेड बाय स्टेट इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इज वॉइड। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक लॉ बना हुआ था 1970 में लॉ बना और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ये लॉ तो इनवैलिड है, तो क्वेश्चन है कि अब इनवैलिडिटी कब से हुई, 2014 से या 1970 से? जैसे आईपीसी के कई सेक्शंस को इंडियन पीनल कोड ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके वॉइड कर दिया है, सेक्शन 303 उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था, तो पूरा आईपीसी तो वो गया नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि वॉइड ये 303 कब से था? ऐसे में सारे दुनिया की कोर्ट्स ने ये डिसीजन दिया है कि जब आप किसी एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो को मतलब होता है इट इज वॉइड फ्रॉम द डे वन। So, ज्ञानवापी मस्जिद इवन अंडर द शरिया लॉ ऑफ द इस्लाम इज नॉट अ मस्जिद फ्रॉम द डे वन बिकॉज इट इज क्रिएटेड ओवर द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, और डिस्प्यूटेड नहीं वो क्लेम्ड स्ट्रक्चर है कि मस्जिद को बनाया गया वो मसाय आलमगिरी में, उसमें वो मस्जिद नहीं थी, वो भगवान शिव का मंदिर था, उसको तोड़ करके औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनाई। तो आपको मस्जिद चाहिए तो देने को तैयार है हम, उससे दुगनी और हम अपने खर्चे में बना के देने को तैयार है। आपको मस्जिद नहीं चाहिए, आपको मस्जिद वहीं चाहिए, आपको जहां भगवान शंकर हैं जो आस्था है उस पर वजू करना है,
ये तो सोचना पड़ेगा कि ये आप कोई अरबी मुसलमान तो नहीं हो। जैसे मैं कल पाकिस्तान के एक चैनल पे था, मैंने उनको बताया आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स पढ़ ले। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कहता है कि भैया सात एमिरेट्स मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाए हैं। उन्होंने कहा और भी नेशन हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 1 जाके आप पढ़ लीजिएगा, होगा तो इस पर आप लगा भी दीजिएगा। आर्टिकल 1 जो ये कहता है यूएई का, कहता है हम और भी एमिरेट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंडीशन है कि वो अरबिक हो। तो इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है यार। पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट का जो रैंक है वो जीरो है, उनको कोई भी अपने यहां लेना नहीं चाहता। यूएई का पासपोर्ट का रैंकिंग आपको पता है क्या है? 1। वो 179 कंट्री में बिना वीजा के एक अमराती जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है वो कहीं नहीं जा सकते सिवाय बिना वीजा के इंडिया आने के। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये है कि भैया मैंने उनको सजेशन दिया, मैंने कहा यार रातों रात तुम्हारा पासपोर्ट फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा। एक तरीका है, आप जाकर के यूएई से कहो कि आपके यहां पे तो और भी देश जुड़ सकते हैं ना, हमें जोड़ लो अपने अंदर। तो वो कह रहे नहीं यार तुम अरबी नहीं हो, वो सिर्फ अरबी को अपने यहां जोड़ने पर जुड़े हुए हैं, आप तो उनके साथ नहीं जुड़ सकते। तो पॉइंट ये है कि वो आप जो इंडिया का मुसलमान है वो हिंदुस्तानी है, वो पता नहीं क्यों अपनी कल्चर से नफरत करता है। ये फिनोमिना मैंने कहीं नहीं देखा। मैं कजाकिस्तान में रहा हूं, मैं उज्बेक से मिला हूं, किसी ने नहीं कहा कि ये टेंगरीन मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे कजाक लैंग्वेज बुरा लगता है, कजाक खराब लैंग्वेज है, अरबी अच्छी लैंग्वेज है। वहां तो बोला भी नहीं जाता अरबी, लिखा भी नहीं जाता अरबी। तो ये क्यों इंडियन मुस्लिम के अंदर ये भावना है कि वो अपने कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं। रिलीजन होना अलग चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं। एक नेशन को रिलीजन मिलना, यानी अरबों को रिलीजन मिला, और एक रिलीजन का नेशन बन जाना कि यानी कि इंडियन मले चाइनीज अब सबको मिला के आप नेशन बनाओगे, नहीं हो पाएगा। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि यूनाइटेड अरब सॉरी रिपब्लिक ऑफ सीरिया और रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, इन्होंने एक लेटर लिखा 1950 के आसपास यूनाइटेड नेशन में कि हम दोनों एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन का भाई बन जाओ। तो सीरिया और इजिप्ट मिलके मिस्र बिन करके इन्होंने कंट्री बना ली, 3 महीना साथ में नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अलग करो, हम अलग अलग रहेंगे, हमारे कल्चर अलग है। मेरा सीरियन फ्रेंड था हार्डकोर अरबी, वो कहता था ये पाकिस्तानियों को हमसे कंपेयर मत करो, ये हमारे लोग नहीं है, ये गंदे लोग हैं। तो अब ज्ञानवापी की बात कर ले या जो भी कर ले, अब ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ज्ञानवापी कोई, मैं तो अथीस्ट आदमी हूं, लेकिन ज्ञानवापी एक आइडेंटिटी का मैटर है। तो एक अच्छा होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद भी बने, वहां से दूर बन जाए थोड़ी, उससे भव्य बने, उसमें ज्यादा सुविधाएं हों। कोई नहीं कह रहा कि आप मस्जिद दे दो, आप कह रहे हो हमसे एक और मस्जिद ले ली, ये फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कोई मस्जिद नहीं ली गई आपको, एक मस्जिद दूसरी जगह दे दी गई है। मस्जिद ये ले ली जाती कि आपको मस्जिद नहीं बनाने दिया जाता, बकायदा गवर्नमेंट ने 5 एकड़ का जमीन अलॉट किया है, तो मस्जिद कहां ले ली आपसे? ज्ञानवापी भी आपसे कोई नहीं ले रहा है, शिफ्ट करने की बात हो रही है, लेकिन आप कह रहे हो ना मस्जिद वहीं बनाएंगे, वुजू हम उसी लिंग के ऊपर करेंगे, शिवलिंग के ऊपर। ये है जिद, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। जी एग्जैक्टली सर, ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है ज्ञानवापी का, और ये जितने भी मैटर्स हैं ये सब भारत के अंदरूनी मसले हैं, और ये हम लोगों के डिस्कशन के लिए बात समझ में आती है, हम लोगों के अवेयरनेस के लिए बात समझ में आती है। लेकिन जैसे आपने बात की, ये साउथ एशिया का जो मुस्लिम है, खास करके जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में, भारत में एक काफी बड़ा तबका हमारे कम्युनिटी से, या आप देखिए बांग्लादेश में, जैसे अब वहाँ इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, मालदीव ने किया, ये जो यहाँ के मुसलमान हैं जिस तरह का रेडिकल एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, वहीं पर आप मिडल ईस्ट में देखिए जो फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए शराब की दुकानें खोल रहे हैं, या फिर आप यूएई में देखिए जो आपने पूरा जिक्र किया, तो वहां पर मंदिर का स्वागत हो रहा है, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको वेलकम कर रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी में चेंजेस ला रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और साउथ एशिया में जब हम देखते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हरकतें सामने आती हैं। तो अगर एक इस्लामिक नजरिए से भी कहें, जैसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पेट में दर्द उठता है सब मसले पर भारत के मुसलमानों को लेकर, तो ये जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में अगर मंदिर ध्वस्त होता है
कोई यूनाइटेड नेशन में उसका इशू नहीं जाता। अभी इनका नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में जो इनके आर्मी चीफ हैं तो वो खुले तौर पर ये बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना था, क्योंकि हमारा तहजीब और तमद्दन अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, हमारा मजहब अलग है, इसलिए पाकिस्तान बना था। बाकी तमाम चीज़ों को वो शैतान करार देते थे, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, वो सब कहते हैं ये सब तो इविल है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद अगर यूनाइटेड नेशन में जाना ही है तो शराब को लेकर जो अब सऊदी अरब में चर्चा है उस पर क्यों नहीं जाता पाकिस्तान, या बलूचिस्तान के मैटर पर क्यों नहीं जाया जाता वहां पर, या अफगानिस्तान रिफ्यूजीज को जिस तरह से तितर बितर किया उस पर क्यों नहीं जाता। और ये जो सऊदी का जो आप देख रहे हैं उनका उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की जो आइडियोलॉजी हम देख रहे हैं, जो उनका चेंज देख रहे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेजी से वो जा रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट के जो पूरा खत्ता है इसको पूरा इन सब मुसलमानों के काम को और इनके एक्शन रिएक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम कंपेरिजन पे आ जाएं साउथ एशिया के मुसलमान का, खास करके पाकिस्तान की हिपोक्रेसी पे। देखिए जैसे अब इंडिया में कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, इस कास्ट सिस्टम को सिर्फ इंडिया नहीं ठीक कर सकते थे और इंडिया ने किया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके। अब जो इंडिया से बाहर कोई कन्वर्टेड हिंदू है वो कास्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, तो वो जो इंडिया के बाहर हिंदू है वो फॉलो करेगा सिर्फ, उसको चेंज करने का हक या उसके पास पावर नहीं है उसकी। ये मैं और भी कॉन्स्टिट्यूशनल डीप सेंस में इस आर्ग्यूमेंट को ले जा सकता हूं, मगर आपके चैनल के लिए ज्यादा हो जाएगा जो आपके दर्शक हैं। इस्लाम को रिफॉर्म करने का जो पावर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान साहब कर सकते हैं, बड़े विजनरी लीडर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं दिल से। आपको पता है दुबई में ऑलरेडी उन्होंने मंदिर खोल रखा है और 14 जनवरी को अबूधाबी में खोल रहे हैं वो, ठीक है ना। यूएई जो है वो 7 अमीरेट से मिलके बनना है, उसमें से दुबई एक है, एक अबूधाबी है। अबूधाबी में खुल रहा है, दुबई में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2022 में खुला उन्होंने, वहां पे गए हैं जरा उसके न्यू इंडिया एक्सप्रेस में जाकर के, इंडियन एक्सप्रेस में 2022 की न्यूज है, मैं आपको डेट भी बता दूंगा, उसमें बकायदा अरबों को टीका और वो मंगल भी लग रहा है। हाँ, देखा। तो अरब्स जो हैं वो अपने रिलीजन को समझते हैं, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है कैसे करना है। ये जो कन्वर्टेड वाले जो मुस्लिम हैं ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी रिफॉर्म नहीं कर सकते। अब जैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आके नेशनल टीवी चैनल पे कहा कि मैं हदीस को नहीं मानता, ये 200 साल बाद कंपाइल किए गए, उनका ओरल स्टेटमेंट है। यहां पे अगर हम आप बोल दें कि हदीस एक सोर्स ऑफ लॉ नहीं है तो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा और दिल मन से जुदा। तो पॉइंट ये कि यहां पे रिफॉर्म की जगह फोर्स का यूज होता है कि हमको वही करना है, हमको रिफॉर्म नहीं होना। सो इफ एनी कंट्री विच हैज द गट्स एंड आल्सो लेजिटिमेसी टू रिफॉर्म वो है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के जो इस समय के प्रिंस हैं या जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस वो इस समय बेसिकली किंग ही हैं, सुल्तान ही हैं वहां के, उनका ये कहना है कि हम 5 साल में अरब को वो बना देंगे यूरोप, ये उनका स्टेटमेंट है। अभी मैं सुनवा दूंगा आपको, इन 5 ईयर्स आई विल कन्वर्ट अरेबिया टू यूरोप। अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोप कैसे बनाओगे, क्योंकि अरेबिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है, पैसा इतना था उन्होंने वर्ल्ड क्लास, तो वो तो यूरोप से भी कई जगह अच्छा है, तो फिर यूरोप कैसे बनाओगे उसको, तुम्हारे पास तो अच्छा है यूरोप से, चलो भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो फिर नहीं बना रहे, उनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं था। दूसरा भाई अरेबिया में जो है वो 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, यूरोप में -5 डिग्री जाता है, उसको कैसे तुम ठंडी बना दोगे, यूरोप ज्योग्राफिकली वो दूसरा रीजन है, तो वो भी नहीं कर सकते तुम। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन कि मैं सऊदी अरेबिया को यूरोप बना दूंगा, एक ही चीज वो कह रहे हैं, जिस रास्ते पे यूरोप निकला 17वीं-18वीं शताब्दी में उसी रास्ते पे मैं चलूंगा, यानी द टाइम हैज कम दैट रेनेसांस शुड जिसे कह लीजिए मेक ऑल द नॉइज यू नो इन अरेबिया। वो कह रहे हैं हम रेनेसा के पाथ पे जाएंगे, पुनर्जागरण होके रहेगा। तो जिस जाहिलिया और जाहिलिया के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद फिर पुनर्जागरण, ये मैं बाकी विधि बुद्धि विवेक लोग जिनके पास है उनके ऊपर छोड़ देता हूं कि पुनर्जागरण होगा तो रेनेसा जब आप कहोगे तो यूरोप में किस पीरियड को डार्क एजेस कहा गया और डार्क एजेस क्यों कहा गया उसको,
रेनेसा जिसको वो कह रहे हैं, रेनेसा के एग्जिस्टेंस के लिए डार्क एजेस का होना बहुत जरूरी है। तो वो रेनेसा वाले की बात कर रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्योग्राफिकली अरेबिया को तो यूरोप बनाया नहीं जा सकता, इंफ्रास्ट्रक्चरली बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है वहां पे टॉप क्लास टॉप नॉच। तो ही सेइंग आई विल ब्रिंग रिफॉर्म्स टू सऊदी अरेबिया बिकॉज इस्लाम इज इनहेरिटर, इस्लाम इज नॉट क्रिएटर ऑफ मोनोथीज्म। The creator of monotheism is Moses, Abraham bhi nahi, because the commandment was given to Moses. The first two commandment that la ilaha illallah, that means there is no god but God, ye Moses ko aaya. Jab aap bolte ho la ilaha illallah to aap Yahudi bante ho, jab aap padhte ho la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tab aap Musalman bante ho, theek hai na? So, रही बात दूसरी बात, जो सेकंड कमांडमेंट है वो कहता है कि गॉड की कोई इमेज नहीं बना सकते। आप 10 कमांडमेंट जाके पढ़ लीजिएगा, सेकंड कमांडमेंट है कि गॉड का कोई इमेज नहीं बनाया जा सकता, ये पाप है। इस्लाम इसी को एक्सटेंड करता है, इसीलिए वो कहता है कि हम इनहेरिटर हैं, हम मोसेस के इनहेरिटर हैं, हम येसु के इनहेरिटर हैं, जीसस के इनहेरिटर हैं। अब जो इंडिया का मुसलमान है उसको ये सब समझ ही नहीं आता, वो इस्लाम को यहूदियों से और क्रिश्चियनिटी से अलग कुछ समझता है, क्योंकि वो उस सोशल मेलू का पार्ट नहीं है, उस सोशल कंस्ट्रक्ट का पार्ट नहीं है जिस समय इस्लाम आ रहा था, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहूदियों या क्रिश्चियन से होती थी, उनके वाइफ के जो फैमिली के लोग थे वो सब क्रिश्चियन थे। सो आपको कुरान में बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जो बाइबल की स्टोरीज है। उसी तरीके से आप अगर हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें आपको लोकल स्टोरीज मिलेंगी। तो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब जिस पाथ पे निकल चुके हैं और उसका उन्होंने ताल ठोक के किया जब उन्होंने स्मृति, आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी की पावर है इसमें कि वो बिना सर पे आंचल रखे हुए और वो पहुंच गई मस्जिद वे अल नबवी के सामने, ये स्मृति ईरानी जी की शाबाशी करनी चाहिए? जी नहीं, इसका क्रेडिट जाता है मोहम्मद बिन सलमान साहब को। उन्होंने कहा ले जाओ फोटो खींचो, उसको रिलीज करो, और दो फोटोएं शेयर की गई। एक फोटो में पहले एक अरबी महोदय अपने कल्चरल ड्रेस में, उसके बाद स्मृति ईरानी जी, फिर वी मुरलीधरन जी अपने कल्चरल ड्रेस में विद वेस्टी एंड द शर्ट, उसके बगल में एक और अरबी महोदय वो काले रंग के अपने चोगे में थे, उनके पीछे सरदार जी। ये फोटो को डेलिबरेटली रिलीज करवाया गया और पीछे मस्जिद अल नबवी। ये मैसेज जो नहीं समझ रहा है भारत का मुसलमान, वो अपने समय को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप जो लड़ोगे वो 10 साल की जिंदगी और बर्बाद करोगे, समय आ चुका है। क्योंकि यहूदी बदल गए और क्रिश्चियन बदल गए, दोनों सेक्युलर हो गए, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप नहीं जाओगे उस पाथ पे। सेक्युलरिज्म का सिंपल मतलब है कि आपको पॉलिटिकल पावर निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में डालना। जी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इतना तो शायद खुद मुस्लिम इस चीज को नहीं जानते होंगे जितना डीपली आप हमें इन चीजों के बारे में बता देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे एक नजरिया हम देख रहे थे, खास करके अगर हम साउथ एशिया के मुसलमानों का जो आपने पूरा जिक्र किया है, तो एक ये है कि अब सऊदी अरब में शराब की दुकानें खुल रही हैं, ये है वो है। हालांकि जितना भी हम देखते हैं पढ़ते हैं समझते हैं, तो मिडल ईस्ट का जितना भी मुस्लिम रीति रिवाज है उनके रिवायतें हैं, और साउथ एशिया में जितना भी हम भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव यहाँ सब जगह चले जाइए, तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। सिवाय कलमा रोजा नमाज हज जकात, ये 5 अरकान अगर आप देखें तो इससे हटकर क्या सिमिलैरिटी है? मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता। चाहे वो शादी हो या मैयत हो, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ये है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है इन चीजों को समझाना। खैर आपने काफी डीपली बात की और सवाल मेरे और भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि मैं प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करूँ और आगे इस मुद्दे पर आपसे जरूर बात करूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जहन में आई हैं अभी। जैसे मैंने अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के ही प्रोफेसर खान उनका एक आर्टिकल में देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि ईश निंदा ब्लास्फेमी का कहीं कोई जिक्र कुरान में ऐसा है नहीं, ना ही इसमें इस्लाम के बारे में कुछ कहा गया है कि सरतन से जुदा कर दिया जाए, गुस्ताख रसूल की एक सदा सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा जो नारे लगाए जाते हैं, इसका कहां कोई कॉन्सेप्ट है कि इसको फॉलो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो वो दिखाया जाए जो पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से चलता है। तो इसको लेकर उन्होंने काफी कुछ इस पर लिखा था। तो ये जो आपने बोला ना कि सरतन से जुदा दिल मन से जुदा बना रखा है, और वो ऐसे एक डर और एक खौफ बना रखा है चीजों को, उससे ज्यादा और जो सामने वाला है वो रिएक्शन जो है वो और एक्सट्रीम ही आएगा जब आप इस तरह से हरकतें कर रहे हैं।
तो बड़ा आसान लगता है कि अगर कोई कुछ भी जरा सा भी, अगर उसको जानकारी भी नहीं है, अगर कुछ बोल दे तो इसको मार दो, इसका सर तन से जुदा कर दो। ये एक सोच बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक डर, एक खौफ बनाया जा सके। और वो ये सब क्यों हो रहा है हम सब जानते हैं, ये पावर, ये डोमिनेंस का खेल जो है वो चल रहा है। खैर, पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। राम मंदिर से लेके भारत के किसी भी इशू को लेकर ये लोग जो है कभी यूनाइटेड नेशंस में रोना रोने चले जाते हैं, कभी OIC कंट्री से कहते हैं कि आप भारत पर दबाव डालो। बहुत सारी हम चीजें देखते हैं, लेकिन इनके इतने ज्यादा अंदरूनी मसले मसाइल हैं, ये उन पर इनका कोई ध्यान ही नहीं है, लेकिन सुधार का कहीं कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इन फ्यूचर मैं जरूर इसी मुद्दे पर आगे बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे जहन में सवाल अभी उभर आए हैं आपके ही सवालों के जवाब पे, तो वो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स भी उसे सुने। दोबारा आप जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आपने इतना अच्छा बोल दिया तो मैंने कहा कि अब क्या बोलूं मैं। थैंक यू सो मच।